चलो सुनो, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का वर्क होता है, कैसे हमें वो मिलता है। तो अब की बारी में जो हमारी वो हर्ट्ज का लॉ है। ये हो गया आपका इंडक्शन कॉइल। चलिए यहां पर मान लो कि ये बैटरी का चार्ज कर में लग गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव। चलो अब क्या होता है कि इसमें एक रोड लगा दिया और उसके ऊपर एक स्फीयर लगा दिया, यानी कि कंडक्टर। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इंडक्शन कॉइल, अब देखो क्या होता है कि जब इसमें वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि इसका जो करंट है वो इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो काउंट नंबर ऑफ काउंट है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाए। तो क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव नंबर, नेगेटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। ये स्फीयर के अंदर इसमें क्या होगा, कुछ और होगा, सॉरी नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, चलो अब आपको हमें मालूम है क्या हो गया इंडक्शन कॉइल। तो अब हमने दो तरह के इंडक्टर पढ़े थे, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। में सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, यहाँ से आने के लिए ट्राई करेगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। मान लो स्फीयर ऐसे ही खड़े, यहाँ से दो वायर है, यहाँ दो स्फीयर खड़े और उसके बीच में आगे जाके दो ऐसे पॉइंट खड़े हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क होता है। ये जो नेम है इसे हम बोलते हैं स्पार्क के, क्या बोलते हैं, स्पार्क के। ये जो जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं स्पार्क। तो आगे क्या होता है कि जब यहाँ पे चार्ज तो हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। तो आगे देखते हैं कि जब चार्ज स्टोर होते हैं तब वो चार्ज में चार्ज इन कंडक्टर स्पेयर and
इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इसका डिस्टेंस हो गया। पार्टिकल का एरिया भी आपका डिस्प्लेसमेंट किसका हो गया, तो ये था पार्टिकल फील्ड वेव फंक्शन।